आज हम लोग जा रहे हैं, इसको बोलते हैं जम्मू मस्जिद का मीना बाजार। वहाँ पर उस बाजार में जाएंगे, लेकिन हमारे रिलेटिव का घर भी है वहीं पे, पहले वहाँ जाएंगे। वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत सालों सालों में आते हैं, तो उनके घर जाना ज़रूरी होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग हैं एक्चुअली रोहिणी में, सेक्टर 15 या 16 में हम लोग, और सेक्टर 18 जो मेट्रो है वो यहीं पर है पास में। सो मेट्रो में बैठेंगे, वहाँ से सीधा डायरेक्ट जम्मू मस्जिद उतरेंगे और पूरी जल्दी ब्लॉक करते हैं आगे। हम लोग आ चुके हैं रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, और हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में बैठने, मतलब टिकट लेंगे उसके बाद ही बैठेंगे ऑब्वियसली। सो दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ की मेट्रो कैसी है। बस लास्ट टाइम मेट्रो तो अच्छी थी मेरे को, कोलकाता से अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा मेट्रो का। सो लेट्स सी। सो गाइस मेट्रो आ चुकी है, कई जनों आ चुके हैं जामा मस्जिद में। इतना बड़ा एस्केलेटर है भाई, ये 3 तल्ले का एस्केलेटर है कई सालों। और जस्ट निकले हैं जामा मस्जिद के पास, कस्तूरबा हॉस्पिटल है कुछ, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या। वो दिन बाद आ रहे हैं, मेट्रो से पहली बार आए गए, पहली बार ट्रैवल किया है दिल्ली की मेट्रो में मैंने। सो लेट्स सी गाइस। गाइस हम लोग आए हैं इधर जम्मू मस्जिद के पास, मेरे रिलेटिव का घर है ये। और एक्चुअली इतना गली में घुस के है ना ये, यहाँ से मैं आपको एक सीक्रेट डोर दिखाता हूँ। एक सीक्रेट डोर जो होता है ना हर घर में, ये पुराने ज़माने का घर है, मतलब 1960s का। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये घर है पूरा, ठीक है। ये अंदर वाला रूम है और यहाँ से इनका एक डोर है, देखो ये डोर है, ये बना हुआ पूरा, ये निकल जाएगा आपका जम्मू मस्जिद भाई। इनका बैक डोर है, ये घर से वो निकला हुआ पूरा, देख लो ये पूरी जामा मस्जिद का एरिया है। आज पूरा से निकल जाओगे बाहर भाई, देखो पूरा अलमारी की तरह बना हुआ है। यहाँ है वो डोर, इसको बोलते चपनी का दरवाजा। सो बहुत ही यूनिक चीज लगी मेरे को ये बैक डोर, बहुत छोटा चपनी वाला गेट जो होता है वही है। सो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अभी हम लोग जाएंगे जामा मस्जिद, वहाँ नमाज पढ़ेंगे, शायद इसमें नमाज तो होगी नहीं, इसको उल्टे करके पहनेंगे फिर पढ़ेंगे, और फिर ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे, जो जो करेंगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। आगे मिलते हैं आगे। उसी गली से निकले जिस गली में आप लोगों को दिखाया था लोगों ने, बहुत ही कंफ्यूजिंग गली है भाई। 15 मिनट लगे गली से, हाँ बचते बचते एक गली में घुसे रहे दूसरी गली, ऐसे ऐसे है पूरी एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विंटेज टाइप का कुछ फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग जामा मस्जिद। हम अगली आवाज़ अभी हम लोग गाइस अंदर जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। माशाल्लाह क्या कारीगरी है भाई, माशाल्लाह। ओ भाई मैं आया हुआ गाइस पहले, लेकिन होश में अभी छोटा तजुर्बा था लास्ट, मतलब हर बार आता हूँ अंदर नहीं घुस पाता, इस बार आया हूँ अंदर भी आया हूँ, और इंशाल्लाह नमाज भी अभी हम अदा करेंगे इसी गेट से घुसे अभी। दिस इज जामा मस्जिद। नमाज वमाज पढ़ ली हम लोगों ने, अच्छे बच्चे हम लोग। नमाज पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं मोहब्बती शरबत पीने के लिए, मोहब्बती शरबत पीने के बाद हम सोच रहे थे मीनार पे आने का, लेकिन मीनार पे वो बहुत है गाइस। हम लोग अभी कुछ डेयरिंग करने जा रहे हैं, वो हम लोग जा रहे अभी मीनार भाई, यहाँ से अच्छा भी आ रहा है। यू ऑल कैन सी एंड विल गो अप देयर। You all can see guys, we are about to go there. Guys, हम लोग जामा मस्जिद के मीनार पे जा रहे हैं। डर लग रहा तुम्हें? Long steps.
पूरा गोल गोल लगाई दिए अहमद और डर गए क्या मैं डर मान रहा हूं इतनी सी के कुल लग गया बड़ा भाई कही जी बहुत शौक तो पराने का नीचे देने में लगे जाते ना वो बहुत नहीं आ रहा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है गाइस इंडिया की सो गाइस देयर इज अ ब्यूटीफुल रेड फोर्ट यू ऑल कैन सी देयर इज रेड फोर्ट दैट इज जामा मस्जिद वी आर कैप्चरिंग इट फ्रॉम ऑल अवे फ्रॉम द टॉप यू ऑल कैन सी This the purity of this. जी एक सेकंड भाई उर्दू में बहुत सारे नाम लिखे हुए गाइस मोहम्मद दिखो नीचे वो लोग बोल रहे थे कि अकबर लोग ने अपने हाथ से लिखे हुए हैं वो अभी तक लिखे नहीं है काजमी काजमी स्मार्टी बॉय भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं भाई ये क्या हो रहा है भाई पैसे दे रहा है गाइस हम लोग आ गए वापस गाइस हम लोग आने का दिल नहीं था ये चचा भगा रहे हम लोगों को अच्छा नहीं किया चचा जितने लियो शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो जे और गड्ढे में ये देखो फुल मशीन खुद अपने हाथों से बनाया है अच्छा भाई इतने लंबे लंबे सीढ़ी भाई गिर जाएगा इन वाले लाइव हो जाएगी उसकी तो खाओ माँ कसम सो बिल्ड बंद हो रहा है कहीं इधर का आदमी है भोसड़ी का घूर रही है भोसड़ी से ये भूतनी का आधे घंटे से घूर रही है उल्लू का पट्टा कहीं भर दो इसको कमेंट एक्चुअली अभी हम लोग एक और रिलेटिव्स के जा रहे हैं वहां से आके घूमेंगे हम लोग पूरा शाम का नाश्ता यहीं होगा भाई अच्छा ठीक है समरिया गाइस अभी हम लोग हैं जामा मस्जिद की गलियों में शादी ले रहे हैं दिल्ली 6 और यहाँ पे खाली आदमी ही आदमी दिखेंगे आप लोगों को देखिए रिक्शे ही रिक्शे आदमी ही आदमी भीड़ ही भीड़ बुरखे ही बुरखे आदमी आदमी को भेज रहा है भाई इधर भाई लोग तो जा रहे हैं मोहब्बत के शरबत के पास हम लोग हैं असलम चिकन के पास देख सकते हैं आप लोग आगे अच्छा अच्छा की दुकान दिखाता आप लोगों को अरे सलाम अलैकुम कैसे हैं अरे अपने हाथ से पियो ना गाइस ये मोहब्बत का शरबत ये पाचा नहीं पिएगा ये पिलाएंगे ये ठीक है बताते हैं कैसा लगा भाई कसम से कह रहा हूँ बहुत लाजवाब टेस्ट है मैं कहीं का नहीं पीता मैंने अपने कोलकाता में भी ट्राई किया है मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा टेस्ट कहीं का भी यहाँ पे जो खाया हम लोगों का टेस्ट एकदम अलग ही है खाया क्या पिया देखो खाया आधा भी नहीं हुआ अभी देख सकता मैं पेट भर गया इतना हेवी है इतना टेस्टी है ना बहुत मजा आया सच में दिल से ईमान से मम्मी अपना फेवरेट चीज मान लेते हुए गई तो बहुत पसंद है ये सब रहमतुल्लाह होटल में गाइस बहुत थक गया हम लोग निकल जा रहे हैं फिर से मेट्रो की ओर देख सकते हो आप लोग जा रहे हैं टिकट लेने फिर उसके बाद मेट्रो में बैठ के जाएंगे सीधा घर तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में टिकट ले लिया हम लोगों ने और
काफ़ी थक गए हैं, इसलिए सोचा कि ऑटो वाले बहुत ड्रामा कर रहे थे, बोल रहे थे कि चार आदमी नहीं जा सकते, सिर्फ नहीं जा सकते, कैब आ रही थी नहीं, तो हम लोगों को फिर से मेट्रो ही में जाना पड़ेगा। थक गए थे इसलिए सोचे थे कैब में चले जाएं, लेकिन कैब वाले घुस नहीं रहे थे जामा मस्जिद के गेट वेट के लिए। सो अब हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं और अब मेट्रो से जाते हैं घर। सो ये एंडिंग पार्ट बना रहा हूँ व्लॉग का। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।